हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जनरल। ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके आर्टिकलशिप रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आर्टिकलशिप में रिलैक्सेशन कैसे मिल सकती है, आपको क्या क्या करना होगा जब आर्टिकलशिप रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है, और क्या ये अप्लीकेबल अभी भी है या नहीं है। ये अनाउंसमेंट 2015 की है। मैं आपको बताता हूँ आर्टिकलशिप रिलैक्सेशन क्या होती है। अगर आप CM एंट्री लिए हो, डायरेक्ट एंट्री स्कीम से एंट्री लिए हो, तो आपको इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने से पहले 9 महीने की ट्रेनिंग पहले करनी होती थी जब आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते थे, और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। अब रिलैक्सेशन कैसे मिला, अगर आपने CPT पास की है, उसके बाद इंटरमीडिएट में आपने एग्ज़ाम दिया, एक ग्रुप का या दोनों ग्रुप का एग्ज़ाम दिया, और आप क्लियर नहीं कर पाए, और आप चाहते हो कि मैं कन्वर्ट कर लूँ डायरेक्ट एंट्री स्कीम में, CPT रूट से कन्वर्ट होकर आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम में आ गए, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा 9 महीने की आर्टिकलशिप का, जो इंटरमीडिएट के एलिजिबिलिटी के लिए होती है। आपको वो 9 महीने की आर्टिकलशिप नहीं देनी पड़ेगी। ये वो सारे स्टूडेंट के लिए अप्लीकेबल ये अनाउंसमेंट जिन्होंने CPT रूट से CMA आए हो, और आपने इंटरमीडिएट का एक ग्रुप या दोनों ग्रुप दिए हो, और आप क्लियर नहीं कर पाए, और आपने कन्वर्ट करा लिया डायरेक्ट रूट से, तो आपको 9 महीने की आर्टिकलशिप नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि आपको इंटरमीडिएट पास करने के बाद 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। इसके बाद इसके मैं FAQ बताता हूँ। ये मतलब ये बता रहा है कि ये अनाउंसमेंट किसके लिए अप्लीकेबल है, वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने CPT पास की है, इंटरमीडिएट में एक या दोनों ग्रुप क्लियर नहीं कर पाए हो, वो डायरेक्ट रूट से आ रहे हैं वापस कन्वर्ट होके, तो इनके लिए ये अप्लीकेबल है। आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना होगा, इसके लिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना होगा, और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो आपको पॉइंट नंबर 10 में टिक करना होगा, जब भी आपको क्या मिलेगा, इसका रिलैक्सेशन मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर देना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।